स्वागत है जी आपका। कहानी थोड़ी सी अलग है, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, क्योंकि इंदौर स्टेडियम, इंदौर में जो होलकर स्टेडियम है वहां पर मैच से ठीक एक दिन पहले छापा मारा जाता है। ये छापा क्यों मारा गया और इस छापा मारने की वजह क्या थी, ये वजह आप जरा सुनिए। क्योंकि इंदौर को लेकर के आपको ये पता होगा कि वो 15,000 टिकट का सोल आउट हो गया, वो पूरा का पूरा बिक गए पूरे तरीके से। और उसके बाद बाहर एक बैनर लगा दिया जाता है जिसमें यह लिख दिया जाता है कि बस भाई अब हमारे पास और टिकट्स है नहीं। एक बात तो हमेशा से साफ है कि इंदौर को बड़ा स्टेडियम चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि इंदौर नगर निगम की तरफ से वहां पे जो कुछ यंग जो अधिकारी लेवल के लोग हैं उन्होंने मांगे होंगे कुछ पास, और उनके पास मांगने के बाद जो है वो एसोसिएशन की तरफ से ये कह दिया गया होगा कि भाई टिकट बिक चुके हैं, ऐसी कोई सुविधा अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो भाई इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अपनी टीम को भेजा उस टैक्स को वसूलने के लिए जिसके लिए अभी 2023 तक की तारीख जिंदा है। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं जो चिट्ठी लिखी गई है, और ये MPCA के जो अध्यक्ष हैं अभिलाष खांडेकर, उन्होंने ये पूरी की पूरी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक का भुगतान का टाइम था, लेकिन क्योंकि इनके कुछ अधिकारियों ने हमसे पास मांगे, पास हमारे पास थे नहीं। अब उसमें MPCA कितना सच बोल रहा है कितना नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि पास ऐसे अमूमन तौर पर रहते हैं लोगों के पास। आपको किसको देने और आपको किसको नहीं देने ये आपको तय करना है। तो उन्हें लगा होगा कि भाई क्या कर लेंगे, हम मना कर देंगे, हमारे पास तो अभी टैक्स देने की जो तारीख है वो तकरीबन 31 मार्च 2023 जो मैं बता रहा हूँ उतनी है। अब इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपको तकरीबन कुछ 30-31 लाख रुपए थे जो इन्हें देने थे, रोड सेफ्टी सीरीज के भी कुछ मैचेस हुए थे उसको लेकर के भी जो है बाकायदा पैसा मांगा गया जिस पर मनाही कर दी गई, 32 लाख रुपए देने थे। और ये साफ तौर पर कहा गया कि भाई वो सेफ्टी सीरीज के मैचेस हमारे अंडर नहीं आ रहे थे तो उसके पैसे आप हमसे मत मांगिए। लेकिन ये आप देखिए कि नगर निगम, इसमें लिखा गया चिट्ठी में कि नगर निगम में युवा IAS अधिकारियों को कुछ पास चाहिए थे, मैंने परंपरा और शिष्टाचार के नाते निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को, उन्होंने साफ तौर पर नाम लेकर बात की है, 25 पास भिजवा दिए थे। इसके बाद भी ये छापेमारी आश्चर्यजनक है। मतलब यार पास की लड़ाई इतनी भयंकर हो गई है कि उसके चलते आप तकरीबन कितने 5 महीने पहले आकर, अक्टूबर भी अगर आप पूरा जोड़ लेंगे क्योंकि अक्टूबर अभी शुरू हो रहा है, तो 6 महीने पहले आकर आप छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। तो पैसे तो दे दिए गए, वो कह रहे हैं कि 32 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा और शहर की इज्जत बचानी पड़ी क्योंकि इस चीज़ की लड़ाई होती, टीम वहां पहुंच चुकी थी, कल ही टीम पहुंच चुकी है। और उसके बाद सबको ये पता चलता कि भाई अंदर खाने तो ये बातें चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने महापौर को जो है वो पूरा का पूरा एक लेटर लिखा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है। और ये अपने आप में, मतलब आप इसे कैसे लेंगे यार, ये कि ये कितनी घटिया चीज़ है ये कि आप पास के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अगर ये पूरी की पूरी चीज़ जो चिट्ठी में लिखी गई है और रिटन में है वो अगर पूरी की पूरी चीज़ MPCA की तरफ से सही है, तो और उन्होंने बाकायदा बोला है कि भाई हमने तो कभी इस तरह की चीज़ों को नहीं किया कि भाई हमने कभी टैक्स देने में कोई आनाकानी की हो या इरेगुलरिटी हो कि भाई हम टैक्स नहीं देते। तो उसके आगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ बहुत आश्चर्यजनक है और हैरतअंगेज है कि भाई अभी 6 महीने का, ऑलमोस्ट 6 महीने का वक्त बाकी है, तकरीबन 32 लाख रुपए जो देने हैं टैक्स के तौर पर इंदौर नगर निगम। और इंदौर नगर निगम की देखिए कितनी तारीफ होती है क्योंकि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर निकल कर आता है और हर बार इनकी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन ऐसी हरकत करेंगे, इंटरनेशनल मैच आपकी टीम को हो, आपके शहर को होस्ट करना है, और वहां पर अगर इस तरह की चीज़ें निकल कर आएंगी तो दुनिया, भारत में क्या दुनिया भर में किरकिरी होगी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि मतलब इतने नीचे गिर चुके हैं लोग कि भाई 25 पास 30 पास ऑलरेडी जा चुके हैं और उसके बाद भी अगर आपके कुछ लोगों को पास नहीं मिलता है तो आप इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। खैर ये बहुत ही अजीब चीज़ है, लेकिन ये दो लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंदौर के लोगों को कि भाई हाँ ये बात बहुत सही है कि वो स्टेडियम बड़ा होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी। दूसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे से जो ये चिट्ठी लिखी गई है नगर निगम को, उनके कान ज़रूर खुलने चाहिए और उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर या तो समय बीत चुका है उसके बाद आप टैक्स देंगे तब तो भाई आपकी कार्रवाई बनती है, लेकिन पास ना मिलने के खुन्नस में आप कार्रवाई कर रहे हैं वो भी टाइम से तकरीबन 6 महीने पहले। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की चीज़ें
ना हो। शुक्रिया।